नाजरीन आदाब। गोपीनाथ अम जी हमारी उर्दू शायरी का और उर्दू शायरी की रिवायत का नहायत ही अहम और मोतबर नाम है। आज उनके साहबजादे धर्मेंद्र नाथ जी हमारे दरमियान मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी खुशबख्ती है कि इन्होंने हमें वक्त दिया है। आइए इनसे कुछ उर्दू शायरी की रिवायत और ख़ास तौर से मरसिया हज़रत इमाम हुसैन और उस ताल्लुक़ से इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि इन्होंने मरसिए कहे भी हैं और हज़रत इमाम हुसैन पे इन्होंने बहुत उम्दा काम किया है। धर्मेंद्र नाथ जी, आपने वक्त दिया है, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। मैं मुतशक्किर हूँ कि आपने मुझे याद फरमाया। आपकी पैदाइश 1934 की है जी हुजूर, और ये वो ज़माना है जिस ज़माने में समझिए कि उर्दू का बोलबाला था एक तरह से, जी जी जी, और बहुत अहम लिखने वाले उस दौर में मौजूद थे। आपने उस दौर में 1934 आपकी पैदाइश है और फिर 1947 का वाक़या है जब मुल्क तकसीम हुआ, उर्दू के किन किन अहम राइटर्स से आपकी मुलाकात रही है, या उस दौर में उर्दू की जो सूरत हाल थी आज किस तरह मुख्तलिफ है उससे? जी हुजूर, असल में उस ज़माने की बात मैं कहूँगा तो उर्दू गज़ल का शबाब था, और जिस तरह की गज़लें पढ़ी जाती थी उसमें कौम परवरी का जज्बा हावी था। तरक्की पसंद तहरीक 1936 में शुरू हुई है। जी हाँ, 33 के बाद शुरू है, लेकिन सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये सब हम लोगों को बचपन में सुना था, यानी घर का माहौल इस किस्म का था कि जब हमें घर में रहते थे तो वालदा ये सब गज़लें सुनाती थी जी। और वो साथ साथ ये भी कहती, देखो बेटा हिंदी में एक कविता ये है, खूब लड़ी मर्दानी रे झांसी की रानी, और उसमें वो खुद कहती देखो एक और वहाँ का अवामी गीत है, खूब लड़ी मर्दानी रे झांसी की रानी, और उसके अंदर अपने सिपहियों के लड्डू और पेड़ा आप खाए गुड़धानी रे, अपने सिपहियों को शरबत है और आप पिए ठंडा पानी रे। यानी मकसद ये है कि लीडर वो होता है जो अपने लिए कम से कम लेता और अपने फॉलोअर्स को, अपने साथ चलने वालों को तकलीफ करने में ज़्यादा ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है। तो ये मियार कायम किया उन्होंने, और इस तरह की चीज़ें हमें बचपन में सुनाई उर्दू में, हिंदी में। वालिद साहब तो खुद शायर थे माशाल्लाह, और चचाजान भी शायर थे और दादाजान भी शायर हैं, तो रवायत थी हमारे ख़ानदान में, लेकिन ये लब रुखसार की शायरी नहीं होती थी जी। ये जुल्फ़ के असीर जुल्फ़ को यही होता था। उस वक्त ये थी कि दारुल रसन की बात होती थी जी, इसीलिए मैंने कहा था सुनी हो जिसने बचपन में रसन और दार की बातें, वो क्या लिखे जवानी में लब रुखसार की बातें। तो सवाल ये है कि मैंने वो उर्दू ज़माने की देखी जो कि इनकलाब का परचम बनी हुई थी जी। वो उर्दू देखी जो कि तहरीक आज़ादी के तर्जुमान थी, और उसमें जोश देखा लोगों के अंदर, गाते जा रहे हैं और गज़लें चल रही। ये सवाल नहीं हिंदी है कि उर्दू, सवाल ये था कि मादरे वतन के लिए कहा गया कि नहीं कहा गया। जोश साहब पढ़ रहे हैं, किस जबान से कह रहे हो आज तुम सौदा करो, दहर में इंसानियत के नाम को ऊंचा करो, और दूसरी तरफ ऐ वतन मैं उस वक्त भी तेरे नगमे गाऊँगा सागर साहब के नज़र। वो सबके सब माहौल उर्दू का ऐसा था कि सब कह रहे थे, और उधर 33 में तरक्की पसंदी भी शुरू हो गई थी 36 में हिंदुस्तान में, 36 में शुरू, लेकिन 33 से उसके अंकुर निकलने शुरू। जी 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 जी, 36 में बाकायदा उसका इजलास होता है और प्रेमचंद उसकी सदारत करते हैं, और प्रेमचंद का जुमला ये बहुत मशहूर है कि हमें हुस्न का मयार बदलना है, वही जिस तरफ आपने इशारा किया कि इस तरह की शायरी की अब ज़रूरत है, इस तरह का अदब लिखा जाना चाहिए। जाहिर है उसके बाद उस तरह का अदब लिखा भी गया, लेकिन असल में प्रेमचंद जो था वो इंसान के दिल के अंदर उतरता था। उसका मकसद ये नहीं है कि किसी तबकाती कशमकश को दिखाना है जी, बल्कि वो नफ्सियाती कोई चीज़ लेके तहकीक शुरू करते थे और उस वाक़े को फिर वो ड्रामेटाइज करते थे अपनी कहानियों में। बहरहाल तो बल्कि जो हिंदुस्तानी सभा बनी दिल्ली के अंदर, प्रेमचंद जी ने उसमें वाले उसके मेम्बर थे 33 आदमी जामे मिलिया में, तो वो उस ज़माने की बात है जबकि एक तरक्की पसंद तहजीब कभी क्या मैं तेरे उसका परचम बना लूँ और ये करूँ, और दूसरे ये भी चीज़ चल रही थी साथ साथ, और बाकायदा लोगों के अंदर जोश था
लिखते थे उर्दू में। अच्छा तपेंद्रनाथ जी, आपकी मुलाकात उस जमाने में किस किस से रही, उर्दू के किस राइटर से? देखिए अब ये तो कहना मुश्किल है, इतने शोरा घर पर आते थे और इतने जगह वाले साहब मुझे ले जाते थे, यानी मैं जब गया हूँ तो अब आप सोचिए उस वक्त मैं 7 साल का था, और पंडित अमरनाथ मदन साहिर उनके मुशायरे में ले गए वाले, और साहिल दहलवी थे उनके ले गए, और लोग कहते जिसने साहिल को देख लिया उसने गालिब को देख लिया, और वो नवाब साहब नवाब साहिल, मुझे नवाब भी कहते हैं और साहिल भी रहते हैं नवाब साहिल। हाँ मेरा हाल मेरा कायम भरम यूँ भी और यूँ भी, तो उनकी बड़ी मशहूर रद्दत थी यूँ भी और यूँ भी। और इसी तरीके से जहाँ तक इनका सवाल है, जोश साहब को मैंने सुना उस ज़माने में, और जिगर साहब को भी सुना, तो इन लोग आते रहते थे मिलते रहते थे, दिल्ली के बहुत से शायर थे। अच्छा ये तो मैं इसलिए आप सर्च कर रहा हूँ, जब आप सोचिए वाली साहब ने एक शेर पढ़ा, कहदे तयुनात इबादत में है ज़रूर, पुथ न हो मगर कोई दीवार दर तो हो, तो उस वक्त दाद दी किसने, साहिल साहब ने, वाली साहब को मतलब मैं जान इनकी उम्र देखना और शेर देखना, तो मतलब उन लोगों की सोहबतें उनके खाके पाक मैंने आँखों को सुरमा बनाया, देखा किसे शेर कहते हैं किसे सुनते हैं, वो दौर था। फिर दूसरा दौर आ गया आज़ादी के बाद से, मुशायरों में टिकट लगने लगे और सब होने लगे, तो हंगामा शुरू हो गया, नहीं पसंद आया तो हो ये बहुत बुरा लगता था, इसलिए वो एक और दौर था जब मैंने आज़ादी तक देखा। फिर आज़ादी के बाद एक ये दौर शुरू हुआ, मेरे को एक तरफ तनकीद शुरू हो गई कि ये गलत है ये गलत है नहीं था ऐसे वैसे, और दूसरी तरफ उसमें थे कि आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म था कि हमें ये बनाना है मुल्क को, उस किस्म की बात शुरू हो गई थी। अब फ्रीडम मूवमेंट के बहुत से लोग ऐसे थे जेल में रहते थे शायरी करते थे जी बिल्कुल, अब उस शायरी को हमने इकट्ठे ही नहीं किया, हमारी किस्मत ही है। लेकिन मैंने वाले चचा जान के वो जिंदा से गुलिस्तान तक एक शायरी मजमू निकाला है उस सिलसिले में, वो काम किया मैंने जी। सर मैं उस पर बाद में आऊँगा आपके काम की तरफ, चूँकि आपका काम इतना ज़्यादा है तो उस पर अलग से एक गुफ्तगू रहेगी, मैं सवाल उस पर बात करेंगे। लेकिन आप उस शायरी का जिक्र कर रहे हैं और वो जो एक स्ट्रगल रही फ्रीडम मूवमेंट की, जंग आज़ादी की, उसमें शोरा ने हिस्सा लिया और लोग अजने बढ़ते हुए जा रहे हैं, फिर वाकया होता है 47 का जो बहुत दर्दनाक वाकया है, कि बहुत कम लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि 47 होगा, मुल्क बटेगा और बटने पे मतलब इस कदर कत्लो गारत होगी। मैं माफ़ कीजिएगा कथा कर रहा हूँ, फूटी करें तो सुबह का मुजर्द हो गया कि आज़ादी के मुताबिक जो फसादात हुए जी, तो ये जो साहब मेरे ख्याल से जोश साहब का है, फूटी करें तो सुबह का मुजर्द हो गया। जानो माल का तो हुआ सो हुआ, लेकिन कुछ हमारी जबान को और कुछ, और वहां से हिंदी उर्दू का एक तरह से झगड़ा भी शुरू होता है, और उर्दू को या हमारे लिटरेचर को या हमारे अदब को कुछ उससे नुकसान हुआ 47 का जो वाकया है? मुझे ऐसा लगता है कि इतना असर उस चीज़ का नहीं था जी। वो रिएक्शन ये हुआ कि आज़ादी के बाद से अब उर्दू जो है पाकिस्तान की जबान है और हिंदी पस मंजर में डाल दी गई, और ये कि हिंदी का एक तबका था जो जानबूझ कर हरकत कर रहा था, एक फिरके तक इसको महदूद कर दो जबान को। प्रेमचंद के बेटे ने सबसे पहले किताब लिखी इस पर, तो इसलिए हाउस डिवाइडेड जो किताब है, इसलिए आपसे कह रहा हूँ वो अंग्रेज़ों की एक तहरीक थी। अच्छा, क्योंकि 1857 में उन्होंने देखा कि हिंदू मुसलमान दोनों मिलके अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो उनको इनको अलग अलग करने के लिए एक ने सपोर्ट किया, हिमायत की बनारस मूवमेंट, बाबू हरीशचंद, भारतेंदु बाबू हरीशचंद, हिंदी को उन्होंने मुश्किल बना दिया, ब्रज भाषा के लफ्ज़ निकाल दो, उर्दू के लफ्ज़ निकाल दो, और इसका मॉडर्नाइज कर दिया,
और वही मैं किसी बुज़ुर्ग के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप देखिए कि जिस आदमी ने वायसराय को मारा है, जब पकड़ा गया तो उसको कहा गया कि इसको ऐसी फांसी मत दो, इसको सूअर की खाल की चीज़ पहनाओ पहले, इसको ऐसे, यानी मैं आप क्या कह रहे हैं, एक आदमी देश के दुश्मन को ख़त्म कर रहा है और आप उसको, तमाम जितने साहित्यकार हैं काशी के वो सब उदास हैं, और क्या मजाक है। वजह क्या है, किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे मैं नहीं कहूँगा, बाबू हरिश्चंद जी उनका ख़ानदान कलकत्ते से क्यों भाग के आए बनारस में, और उनके कोठी में 1857 में हथियार रखे गए थे किसके, ये सब बातें जाने दीजिए। लेकिन दूसरे देखिए सर सैद अहमद ख़ान अजीम शख्सियत हैं, लेकिन सर सैद अहमद ख़ान बिजनौर से भाग कर आए, रुक गए मेरठ, क्यों वहाँ से क्यों भाग आए, और उसके बाद जब दिल्ली आए अपने वालदा के मिलने की, उसके बाद उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया अंग्रेज़ों को, और अंग्रेज़ों को सपोर्ट करने के साथ साथ ज़बान में भी उन्होंने क्या किया, उर्दू से जितने ब्रज भाषा के हिंदी के लफ्ज़ निकाल के और फारसी में डाल दो और अरबी डाल दो, ऐसा मुश्किल ज़बान कर दी उन्होंने, तो एक ज़बान जो हिंदी की अलग बन गई, एक उर्दू की अलग ज़बान बन गई। पहले ये था कि वो ज़बानें मिली हुई थी, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था, लेकिन ये एक तहरीक थी अंग्रेज़ों की तरफ से। सर सैयद तो बहुत 47 से बहुत पहले, मैं तो बात कर रहा हूँ कि 1800 की बात, जी हाँ जी, तो वो 1857 के बाद की बात, उसके बाद अगर आप देखिए तो तहरीक चलती रही। गांधी जी ने कोशिश की दोनों को मिलाने की, लेकिन उनके उसके पर हिंदुस्तानी ज़बान को जो जगह महदूद होकर रहेगी, ज़्यादा लोगों ने अपनाया नहीं। अब बहरहाल दूरियां तो आ गई, और लेकिन फिर भी आप ये देखिए पंजाब से जो लोग वहाँ से आए मुंतकिल होकर दिल्ली सादात में, उन्होंने उर्दू को बढ़ावा दिया है, वो सबके सब उर्दू में शायरी करते थे। महरूम साहब हो, जगन्नाथ आज़ाद हो, या जितने लोग थे दिल्ली के मुशायरों में, तो पूरे सब लोगों ने क्या है, और ये नहीं कि उर्दू वहाँ से आए हैं तो इसलिए हम उर्दू को, उर्दू की हिमायत की है, वो काम हुआ है वहाँ पर, और इसीलिए बहुत सी कहानियाँ लिखी गई उस ज़माने में, जहाँ पर के जो ह्यूमन वैल्यूज़ थी, जो इंसानी कदरें थीं उस ज़माने के अंदर भी जो महफूज है, उनको हाईलाइट किया गया, आगे लाने की कोशिश की गई है। अच्छा, अब आपकी तरफ आते हैं, जो आपका ज़ाती काम है, हज़रत इमाम हुसैन पे आपका काम, आपने काम किया, और रसूलुल्लाह पे आपकी बहुत बहुत ज़खीम किताब है, तो ये आपका कुछ ख़ानदानी माहौल इस तरह का था, आपके घर का माहौल इस तरह का था, तरबियत घर से हुई, या बाद में आपको लगा कि नहीं इस तरफ भी हमें जाना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए? जरूर, मैं ये कहूँगा तीसरी पुश्त शब्बी की मद्दाही में जी, और ये लखनऊ तहजीब है, वहाँ पर मुहर्रम के ज़माने में पूरा शहर जो है वो हुसैनी शहर बन जाता है जी। तो वहाँ पर लोग पढ़ते हैं, और हिंदू भी और मुसलमान भी सब उसमें शरीक होते हैं, और हुसैन की ज़ात भी ऐसी है कि जितना उसको आप ख्याल फरमाइए तो आप शायद गर्दन अपने आप अकीदत से झुक जाए। यानी रसूल का नवासा होना बड़ी बात है, लेकिन रसूल का वारिस होना उससे भी बड़ी बात है। उस विरासत को हज़रत रसूलुल्लाह के पास से, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से, हज़रत अली के पास से, सही कैसे, आप सोचिए गर्दन नहीं झुकाएंगे। आजकल का कोई सियासतदान होता तो मियाँ हाथ रखा बैत कर ली, आगे जाके मैंने नहीं की, नहीं, कोई चीज़ तो है, ये इतने साल से चीज़ जिंदा है, 72 आदमियों का, मैं हमारे बच्चे के हाथ में सुई लग जाए हम तड़प उठते हैं, और वो बच्चे के पूरा खानदान वहाँ शहीद हो जाता है, बर्छी लग रही सीने की, अब्बा बच्ची का जवान बेटे के जिगर से बच्ची निकालना आसान नहीं होता, उन चीज़ों का असर तो पड़ा, और उर्दू शायरी में फिर मर्जिया। तो हमारे ख़ानदान एक तरफ तो वो, दूसरी तरफ वालिद मोहतरम, जैसे हम जामिया में पढ़े 1939 में, वहीं हमको दाखिला दिया गया। अब वहाँ पर ये उन्होंने पूछा कि आपके बच्चा ये इस्लामी तालीम पर कहीं क्यों नहीं पढ़ेगा, मैं घर पर हिंदू धर्म पढ़ाऊँगा, आप इस्लामी से पढ़ाइए। तो मैं मौलाना फजल रहमान क़िबला,
उन्होंने कुरान शरीफ की तिलावत सिखाई थी और नमाज क्या है और सब हमको बताया गया बाकायदा है, वजू कैसे होना चाहिए, मसा कैसे होना चाहिए, सब सीखा। और उसके बाद फिर ये कि वो डिस्कस करते थे क्लास के अंदर और हमेशा कहते, देखो ये दो गैर मजहब के लोग हैं, तुमसे ज़्यादा जानते तुम्हारे मजहब को बता दिया। और उसका नतीजा हुआ कि हमने वो मजहब के अंदर उतर के देखना शुरू किया। अब छोटी सी एक बात है, माफ़ कीजिएगा, आप तो जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, आपके सामने क्या अलग कुछ है करूँ। देखिए, रुकू एक लफ्ज़ है, रुकू क्यों किया जाता है और किसी मजहब में नहीं, दोनों घुटनों पर हाथ रख के झुकना इस्लाम में, इस्लाम में क्यों है? अल्लाह पाक की बेशुमार सिफात हैं, उन सिफात में से एक सिफत जो लिए उन्होंने, जिसको फौकियत दी है, तरजीह दी है, वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहीम। और एक दूसरे से मिलते तो क्या कहते हैं, सलाम वालेकुम, सलामत रहो, रहीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, सलामत कर रहे हैं। तीसरी चीज़ देखिए, रुकू, यहाँ दो ग्लैंड्स होते हैं, उन ग्लैंड्स को कहते हैं हम एड्रिनल ग्लैंड्स, और हुदूद के ऊपर जब आप रुकू करते हैं तो उसमें से झुकने से एक केमिकल निकलता है और वो केमिकल इंसान में तशद्दुद का जज्बा कम करता है। इसलिए अब आप सोचिए कि उधर नमाज के अंदर रखा गया कि तशद्दुद का जज्बा कम हो, बातचीत में रखा गया सलाम वालेकुम, और उसके साथ ये जिहाद रखा गया, जिहाद की शर्तें कायम कर दी गई। और यही नहीं है, ज़बह करना है तो उसमें भी शर्तें कायम है, प्यासे जानवर को दूसरे सामने मत मारो, तफरी के लिए शिकार मत करो, ये सब चीज़ें क्या हैं? हम वो नहीं पढ़ते, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, बस इसके गर्दन काट दो, उसी गर्दन। मैं समझो तो सही, मज़हब को सबसे ज़्यादा नुकसान मज़हब वालों ने पहुँचाया है, जैसे ज़बान को सबसे ज़्यादा नुकसान ज़बान वालों ने पहुँचाया। तो इसीलिए मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि जब हम जामे में पढ़े, घर में पढ़े लुसूज का, और उसके बाद फिर मैं यकीन कर, तो रोशन होता चला गया दिमाग। हुसैन ये बात कह रहे हैं, कृष्ण ये बात कह रहे हैं, हजरत ये बात कह रहे हैं, तेरे गहराई में उतरो, समझो। इसलिए अब दिमाग में हमें खुदा का शुक्र है कि असातिज़ा ऐसे मिले, इस तरह के जामिया के अंदर घर का माहौल इस तरह मिला। क्या पर जी, अच्छा मैंने इसी वजह से शेर कहा है, खुदा के नाम पे क्यों लोग लड़ते रहते हैं, हमारे दिल में तो अल्लाह भी है, राम भी है। क्या बात। अच्छा, मरसिया पे कुछ बात करना चाहेंगे आप? जी जी, फरमाइए। मरसिया जो हमारी बहुत अहम सिंथ है और जिसमें इजहार के इतने मौाक़े हैं, जिस तरह इजहार उसमें किया जाता है, और ख़ास तौर से गम के, और फिर गम हो और वो भी करबला का गम इमाम हुसैन का, उसका जिक्र जितना बेहतर तरीके से मरसिया में किया जाता है, शायद ही किसी और सिंथ में उस तरह मुमकिन हो। तो वो दर्द जो मरसिए का हिस्सा बना, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे, चूंकि आपने मरसिए को बहुत ध्यान दिया है। है कि मरसिया, माफ़ कीजिए, पहले कहा जाता था बिगड़ा शायर मरसिया को, लेकिन अनीस और दबीर वह रफत बख्शी है कि दुनिया में कहीं इस तरह के मरसिए नहीं मिलते ऐसे हिंदुस्तान में। और एक बात मैं देखूँ, मेरा मुल्क है इसलिए मैं कहता हूँ, यहाँ खुलूस बहुत है जी, और यहाँ का कल्चर ये, जो भी हक के ऊपर आओ हमारे साथ आ जाओ। इसलिए यहाँ के शायरों ने, हिंदुओं ने भी मरसिए लिखे, मुसलमानों ने मरसिए लिखे, और मरसिए की ज़बान भी ऐसी थी जिसमें आपको यहाँ के लोकल कलर भी दिखाई पड़ता है। और उसमें भाई ने कहा, भाई से अब क्या करें भाई, अब कौन सी ज़बान है ये, बिल्कुल अपनी घरेलू बोल, तो वही बात। और फिर उसने जिस तरीके से भाई बहन की मोहब्बत दिखाई गई, कि उनके जब उन बच्चों ने कहा कि जाफर बिन तैयार के पोतों ने कि हम क्या कम है किसी से, अलम हमें दिया जाए, तब उनकी माँ ने डांटा, ऐसा ना मामू सुन ले तुम्हारी ज़बान, खबरदार ऐसा मत कहना। यानी मरसी में भी आदाब कायम है जी, और उसमें भी उन्होंने जिस अंदाज से शेर कहे हैं, वो इजहार जो है वो किसी और से, अब आप बताइए, वो कहते हैं, वो कहते हैं, पानी न था जो शाह छिड़कते मज़ार पर, आंसू टपक पड़े लहदेशी खार पर। अब ये टपकने वाली बात जो जो उसमें जिस बेख्तियार तरीके से बात आया है, तो वो जो है मरसी के अपने अंदाज है। मरसी ने कितने लोगों को शेर कहना सिखा दिया जी, बिल्कुल।
और ज़बान के साथ मर्सी ने, यानी ये मैं तो कहता हूँ एहसान है गमी हुसैन का उर्दू शायरी पर, जिसकी वजह से मर्सी जैसे सिंफ ने हमारे यहाँ अपने इतनी तरक्की की और उसमें कौन लोग है, नानक चंद नानक, मैं जब इकट्ठा कर रहा हूँ हमारे हुसैन पर काम, उसमें तकरीबन 45 से करीब गैर मुस्लिम नात मर्सिया को शुरा हैं और 200 शुरा ऐसे हैं जो सलाम जिन्होंने कहा गैर मुस्लिम है जी। और इकट्ठा करूँगा क्योंकि हर जगह फैले पड़े हो जी, इसलिए मर्सी की अपनी जगह है साहब। और फिर शख्सी मर्सी भी शुरू हो गए। हाँ, उसके बाद शख्सी मर्सी भी शुरू है। लेकिन वो मर्सिए जो अनीसो दबीर के मर्सिए हैं, उनको पढ़ने के बाद जो रिक्कत तारीख होती है एक तरह से, वो जाहिर है शख्सी मर्सिए को उस तरह नहीं आ पाती, चूँकि एक शख्स का गम और इमाम हुसैन का गम, कुछ फ़र्क तो है, बहुत फ़र्क होते हैं, कुछ नहीं बहुत फ़र्क है जी। और फिर ये कि वो अकीदत में डूब चुके थे। एक बादशाह ने कहा कि भाई मेरे भाई मर गए, उनके शेर कह दो, मर्सिए लिख के ले गया। कहने तुम्हारे शेर में वो बात नहीं है जो तब तुमने अपने भाई के लिए कहा था, कैसा वो मेरा भाई था, भाई था, भाई। था। सवाल ये है जी, अपनापन जिसमें कहाँ महसूस होता है, और वो एक अकीदत भी है, अकीदत के साथ है, एक अकीदत भी है, वही है अकीदत जी। और फिर अकीदत के लिए भी हस्ती ऐसी होनी चाहिए जामे कमालात हो। ये अगर अकीदत के अंदर हम देखें कि वाकई वो जलील कदर हस्ती है तो अकीदत भी, और अकीदत में किसी ऐसे आदमी के साथ किया कल को कुछ छोटा काम करे तो अकीदत क्या करेगी। तो इसलिए मर्सिए के काम को तो मैं बहुत ज़्यादा मैं, और अभी एक साहब हैं इरफान तुराबी कश्मीर के हैं जी, बराबर हिंदुओं का कलाम इकट्ठा कर रहे हैं, जो इमाम हुसैन के मुतालिक है, सलाम भी और वो भी, तो वही सब जी। मर्सी धर्मेंद्रनाथ जी, बहुत उमदा गुफ्तगू रही आपसे, धन्यवाद। और हम दुआगो हैं कि ये जो मंसूबे आपने बनाए हैं ये आप इसको पाया तकमील तक पहुँचाएँ, और बहुत अहम काम आपने इससे पहले उर्दू के लिए किया भी है। आप रेखता तशरीफ लाए, हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद समझाया।